यह हथौड़ी है और ये स्क्रू का डिब्बा है। चलती फुलती दुकान है, मतलब साइकिल पर इनकी जावेद की दुकान चलती रहती है और फेरी लगाते रहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, हम में से बहुत लोग व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। ये जो समाज का ये वर्ग है, अगर हम लोग कुछ ना करें, इसको सम्मान से इसका मोल भाव ना कराएं, और अगर 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए कुछ अलग से दे दें या कुछ और भी सम्मान कर दें, ये वर्ग आपसे बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं करता है। लेकिन है क्या, सुबह सुबह आदर्शवादी टाइप के मैसेज तो हम डालते हैं, लेकिन दिखाएंगे कि हमसे बड़ा समाज सेवी कोई नहीं है। फेसबुक पर आ जाएंगे हम लोग कि एक केला 7 लोग पकड़ के फ़ोटो खिंचा लेंगे, बताएंगे कि हमसे बड़ा समाज सेवी कोई नहीं है, ये पूरी तरीके से प्रूव हो जाता है। लेकिन वास्तव में धरातल पर जाकर काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन हाँ, जो करता है उसको जो है बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। वो कहते हैं बचपन से ही, हम लोग डायरी में भी लिखा रहता था, कर्म ही पूजा। तो कर्म ही पूजा का उलटा दिया बच्चों को, ऊपर इंग्लिश मीडियम वाले जो स्कूल हैं उस पर लिखा दिया, लेकिन उससे नहीं बदला। वाकई में जैसे तैराकी की किताब पढ़ ली और तैरना नहीं आया तो क्या मतलब है। ये देखिए, ये चारपाई जो है मिस्टर जावेद जी, ये देखिए बिन रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि मोलभाव ना किया जाए, और इस जाड़े में मैंने डिसाइड किया है कि ऐसे जो भी लोग होंगे उनको कुछ ना कुछ मोलभाव ना करके कुछ ना कुछ अतिरिक्त दिया जाए। बहुत ज़्यादा भले ही ना कर पाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ करना है। एक समाज में एक संदेश जाना चाहिए। जैसे पहले मेरा मैसेज आया था दिवाली में, किसी भी मिट्टी वाले के खिलौने वाले से, दियाली वाले से या किसी से मोलभाव ना करें आप लोग। और बड़ा अच्छा आप लोगों के कमेंट्स आए थे, काफ़ी लोगों के फ़ोन भी मेरे पास आए थे कि उन लोगों ने मोलभाव नहीं किया और अलग से किसी ने मिठाई दी और कुछ दिया था। तो हम अगर शपथ ले लें कि इन लोगों का 10-20 रुपया ना बचा कर अगर मदद करते रहें, तो इस जाड़े में जो है इन लोगों को कम अपनी क्षमता अनुसार अगर कोई व्यवस्था है, कंबल की या ऐसे कपड़े, बहुत सा ऐसा वर्ग है जो क्या कहते हैं कि पुराने ऐसे कपड़े होते हैं जो बढ़िया वास करके और प्रेस करके बाकायदा पॉलिथीन में पैक करके दिया जा सकता है। देखिए कितनी खूबसूरत सी ये जावेद जी ने तैयार कर दी। ये देखिए, है ना आर्टिस्ट। जैसे हम लोग पेंटिंग के एग्जीबिशन देखने जाते हैं या कुछ देखने जाते हैं, उसी तरह ये भी आर्टिस्ट हैं। ये भी समाज की नींव है। हमारे जो हर चीज़ की अलग उपयोगिता होती है। दोस्तों, मेरा लगातार प्रयास यही है कि समाज में ऐसे लोगों से, गरीबों से मोलभाव ना किया जाए जो मेहनत से काम करते हैं। हमारे DNA में हमेशा से है मोलभाव करना, लेकिन
मेरा उद्देश्य यही है कि लगातार लोगों को प्रेरित किया जाए। धन्यवाद साथियों, फिर कुछ लेकर मिलता हूँ।